देखिए निश्चय ही पहले से प्रोटेस्ट कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विपक्षी पार्टियां जो कि पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करती हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के सिर पर काम करती हैं, उनको कोई रोका नहीं है। ये वही प्रोटेस्ट हैं जो CAA को लेकर थे, ये वही प्रोटेस्ट हैं जो किसान आंदोलन को लेकर के थे, ये वही प्रोटेस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये जो अग्निपथ योजना लाई है देशभक्त तैयार करने की, ये स्कीम है ना कि ये जो देश द्रोह करने की। कांग्रेस ने हमेशा देश द्रोह के कारण से कश्मीर की स्थिति बिगाड़ी, पूरे देश की स्थिति बिगाड़ी। सबका साथ सबका विकास, उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है उस पर भी बात करेंगे, मगर उसके साथ साथ जो इस वक्त युवा और कुछ टीचर्स और कुछ लोग जो सड़कों पे उतरे हुए हैं उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिप्टी CM भी रह चुके हैं और असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्हीं के साथ बात करेंगे श्री कविंदर गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी, आज आपको मुबारक, आपने एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ पे करवाई है। ठीक है, आपका जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है, मगर इसके साथ साथ में लोग भी सड़कों पर हैं, इसकी वजह क्या है? पुरानी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम ये है कि आज हजारों की तादाद में जो सड़कों पर लोग हैं, अगर पुरानी सरकारों ने उनको गुमराह ना किया होता तो शायद वो इस प्रकार नहीं करते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी फिर से उनके बारे में सोच रही है। अभी पिछले दिनों 12,000 PDD में उनको पॉइंट करने की वो जो शुरुआत हुई है, इसी तरह से PHE में और बाकी जगह भी होगी। सर, आपने ये पहले ये था कि 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में जो हालात होंगे वो सामान्य हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मगर उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि सिविल किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स, और उसके बाद जो माइग्रेंट्स हैं चाहे कैटेगरी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट कभी बंद नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए आज वहाँ पर बंद नहीं होते, आज वहाँ पर मिलिटेंट के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं जाते, आज पाकिस्तान का झंडा लेकर के कोई नहीं चलता, आज भारत माता की जय करने वाले वहाँ पर पैदा हुए हैं, आज लाखों की तादाद में वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, ये हुर्रियत जैसी जो संस्थाएँ हैं उनकी आवाज़ बंद है, ये चेंज नहीं तो और क्या है? सर, इतना सख्ती से निपटने के बाद भी फिर भी किलिंग्स हो रही हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग्स हुई, पिछले लगभग एक हफ्ते में 20 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस मिलिटेंसी के प्रति होगी। ये जो सबका साथ सबका विकास आपने बोला, सबका साथ सबका विकास, ये प्रधानमंत्री जी का जो मोदी जी का जो नारा है उसके तहत जो काम हो रहे हैं, मगर सबका साथ सबका विकास आप बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट होते रहते हैं हर गवर्नमेंट में, पिछले भी हम भी मानते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में भी प्रोटेस्ट होते हैं, मगर विकास तब होगा जब इस प्रोटेस्ट में कमी हो जाए। देखिए, निश्चय ही पहले से प्रोटेस्ट कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी विपक्षी पार्टियां जो कि पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करती हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के सिर पर काम करती हैं, उनको कोई रोका नहीं था। कांग्रेस ने आज क्या हालत हुई है उसकी, आज सपा की क्या हालत हुई है UP में, जो उनकी परमानेंट सीटें वो जा रही हैं। हमें जनता का सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि इन लोगों का। ये जो आप जो इस वक्त रिक्रूटमेंट पॉलिसी है अग्निपथ वीर की जो पॉलिसी, उसके बाद जब ये पब्लिक डोमेन में लाई गई, उसके बाद आपने देखा कि प्रोटेस्ट जो है पूरे भारत में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वही प्रोटेस्ट हैं जो CAA को लेकर थे, ये वही प्रोटेस्ट हैं जो किसान आंदोलन को लेकर के थे, ये वही प्रोटेस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये जो अग्निपथ योजना लाई है देशभक्त तैयार करने की, ये स्कीम है ना कि ये जो देश द्रोह करने की। कांग्रेस ने हमेशा देश द्रोह के कारण से कश्मीर की स्थिति बिगाड़ी, पूरे देश की स्थिति बिगाड़ी। आप देखिए आने वाले समय में क्या वो जो ट्रेनों को आग लगा रहे हैं वो। मगर इस पॉलिसी को लेकर युवा क्यों पैनिक है, युवा में क्यों बेचैनी है इस पॉलिसी? वो युवक नहीं, वो लोग हैं जो विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। पहले भी पत्थर मारने वाले भी युवक हुआ करते थे, वो कहाँ गए आज? जब नीतियाँ चेंज होती हैं तो सब दिशा चेंज होती है। ये थे हमारे फार्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि जो भी इस वक्त प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं वो अपोजिशन के कहने पे हो रहे हैं, और वो अपोजिशन के लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, मगर जो हमारा आम लोग है, जो हमारी आम जनता है, वो हमारे इस फैसले के साथ में है। कैमरामैन अभिषेक बारू के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।